अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और अगर आपको सच जानना है ना तो इस आदमी से पूछिए कि इसने सुमन के साथ बदतमीजी किया या नहीं। दामाद जी, बदतमीजी और हम, ये कैसा इल्जाम लगा दिया हम पर अंशुमन भैया? सुमन के साथ हम बदतमीजी सपने में भी करने का नहीं सोच सकते। एक मिनट अंशुमन। दामाद जी, आपके कहने का ये मतलब है कि अंशुमन ने जो कुछ भी कहा वो झूठ कहा, तो क्या उसने आपको सुमन से बदतमीजी करते हुए नहीं देखा? हमको जब लगा कि सुमन जी को कुछ गलतफहमी है, हमने बस उनको समझाने के लिए उनके कंधे पर हाथ रख दिया था। हमने बहन मान के ऐसा किया उनके साथ, लेकिन वो नाराज हो गई। तभी अंशुमन भैया आ गए और सुमन का पक्ष लेने लगे। हमने सोचा कि बात आगे बढ़े उससे अच्छा हम चले जाते हैं, इसलिए हम चले गए। वाह सौरभ वाह, बातों को क्या तोड़ा मरोड़ा है तुमने। लेकिन तुम शायद एक बात नहीं जानते, झूठ सच पर हावी होने के लिए कितनी भी ताकत क्यों ना लगाए, सच कभी छुप नहीं सकता। तुमने सिर्फ एक झूठ नहीं बोला है, झूठ के पहाड़ खड़े किए तुमने। और आज एक बात तो समझ आ गई मुझे कि तुम जैसा आदमी मेरी बहन के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अंशुमन जी माफ कीजिए, कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें लगता है कि आप अपनी बहन नंदिनी के लिए उसकी ननद की कई बातों में आकर आरती और हमारा रिश्ता खराब तो नहीं कर रहे। हमें लगता है कि नंदिनी आरती को लेकर आपके मन में अपना पराया का भेद बैठ गया है। माँ आप ये बात जानती हैं कि नंदिनी और आरती दोनों मेरी बहनें, और मैंने दोनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा, और दोनों में से कभी भी किसी पे भी कोई परेशानी आएगी तो मुझे उतनी तकलीफ होगी। लेकिन आज एक बात तो जान गया हूं मैं कि ये आदमी मेरी बहन आरती के लायक तो नहीं है। इसके बदलते हुए रंग देख लिए मैंने आज। माँ सुमन ने खुद इसे बदनाम मोहल्ले जाते हुए देखा है। सुमन माँ को सब सच बताओ। हाँ सर भीमा, अंशुमन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सौरभ जीजू ने हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया है उसे तो झुटला सकते हैं, लेकिन हमने ना सिर्फ इनको ये बदनाम मोहल्ले में जाते हुए देखा बल्कि एक लड़की के साथ ढाबे में भी देखा है। जब हम सुल्तानगंज से लौट रहे थे भाई के साथ, ओहो हे भगवान, कुछ सही करने जाओ तो भी लोगों को कैसे गलत दिख जाता है। इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बन गया। सुमन जी आपने सही देखा था, हम थे भाई एक लड़की के साथ, लेकिन अगर कुछ गलतफहमी हुई थी तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ लेती, हम वही सब कुछ सच सच बता देते। अब कौन से झूठ को सच बना के बता रहे हो तुम? एक मिनट रुकिए, बस सच ही बताएंगे। ये देखिए, हम एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं, हम और हमारा एनजीओ रेड लाइट एरिया जिसे सुमन जी बदनाम मोहल्ला कह रही हैं, वहाँ की बहनों की रक्षा के लिए काम करते हैं। बस इतनी सी बात है। आप लोगों को दिक्कत है तो हम ये एनजीओ का काम भी छोड़ देंगे। प्लीज इस तरह हमारे बसे बसाए घर को मत उजाड़िए। हम हाथ जोड़ते हैं आप सबके सामने। नहीं दामाद जी, नहीं, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि गलती किसकी है और किसके सारे पे ये गलती की गई है। बड़ी माई, ये आदमी घर का दामाद है बड़ के बहुआ, जिसे तुमने इकट घरे में खड़ा कर दिया है वो लड़की के कारण। और पता है ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर ना नंदिनी और आरती को लेके फर्क है। बड़ी भाई से भाई नहीं सुनना चाहते हैं हम बड़के बाबा तुमसे।
बच हटके। बड़ा नाज था ना तुम्हें अपने राम पे। राय बहादुर खानदान का मान मर्यादा सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ तुम्हारे हाथ है आज चटके। बताओ क्या फैसला होता तुम्हारा, क्योंकि आज तुमको ही फैसला करना है, हमको नहीं। हम तुम्हारा इंसाफ जानना चाहते हैं छुटकी। दीदी, एक माँ जिसकी बेटी की शादी है, वो क्या फैसला लेगी, क्या निर्णय करेगी? आप चाहे तो नंदिनी की शादी तोड़वा कर उसकी खुशियों को छीन सकती है। नहीं, इतने कठोर नहीं है हम, लेकिन हाँ, हमारे सीधे सरीफ मेहमान जी के साथ जो गलत हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ शर्तें हैं। दामाद जी आज से यहीं इसी घर में रहेंगे बेटा की तरह। जब दामाद घर में बेटा के रूप में हो तो काम के रूप में घर का बिजनेस में वो हाथ बटाएंगे अंशुमन का। मतलब आज से सौरभ जी अंशुमन के बिजनेस साझेदार। और आज के बाद अंशुमन कभी भी सौरभ जी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। मंजूर है? जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। खत्म नहीं हुई है छुटके। ये सारा बवाल ई लड़की के कारण हुआ है, लेकिन हमको फिर भी इस शादी से कोई परहेज नहीं है। शिखर जी नंदिनी के पति बनेंगे, लेकिन शर्त ये है इस शादी में ई लड़की नहीं होगी। और शादी में ही नहीं, इस खानदान से उस लड़की का कभी भी कोई भी रिश्ता नाता नहीं होगा। बड़ी माँ, आपने मुझे सौरभ के सामने नीचा दिखाया, उसे हमारे बिजनेस में पार्टनर बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा, पता है क्यों? इसलिए नहीं कि सौरभ जो कह रहा है वो सही है, बल्कि इसलिए ताकि मेरी वजह से इस शादी में कोई रुकावट ना आए। राय बहादुर खानदान पे कोई सवाल ना उठे, मेरी माँ पे कोई सवाल ना उठे, वरना ऐसी शर्त अब जरा आप ही बताइए, किस हक से आपने ये फैसला लिया? जो एक बहन से यह अधिकार छीन ले कि वो अपने भाई की शादी में शामिल ना हो सके। अब हमें किसी बहस में नहीं पड़ना है छुटके। तुम बोलो, शर्त मंजूर है हमारे कि नहीं? मंजूर है दीदी। कोई हमसे भी तो पूछे कि हमें ये शर्त मंजूर है या नहीं। कोई नंदिनी से भी तो पूछे कि
कि उसे ये शर्त मंजूर है या नहीं। नंदिनी, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? नंदिनी की खामोशी का मतलब हाँ या ना ये हम नहीं जानते। वो अपने घर का मान बचा रही है या अपनी दोस्ती, ये भी हम नहीं जानते, पर हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। नंदिनी और हमारी शादी तभी होगी जब हमारी बहन सुमन उसमें शामिल होगी। चलो हो गया फैसला इस शादी को तोड़ने का। अरे जब दूल्हा ही राजी नहीं है तो फिर घोड़ी पे कौन बैठेगा? अरे ये मंडप पे फेरे कौन लेगा है? भाई, गलती किसी और की और सजा किसी और को मिले, ये कैसा इंसाफ है? ठीक है, सबकी नजरों में हम गुनहगार हैं, लेकिन इस गलती की सजा नंदिनी को क्यों मिले? ये कहां का इंसाफ है भाई? सुमन, ये सजा नहीं है, ये अपमान है, अनादर है, ह्यूमिलेशन है, और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। नहीं भाई, ये बड़ों का आदेश है और बड़ों के आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। आपको नाना जी की बताई हुई कथा याद नहीं है? क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि माँ कैकेयी का पिता दशरथ से लिया वचन गलत था? उन्होंने भी तो बड़ों का मान रखा ना, बड़ों के आदेश का मान रखा, उनका पालन किया, और फिर नाना जी ने हमें बचपन से यही तो सिखाया है। क्यों नाना जी? सुमन की बात को समझना इतना आसान नहीं है। एक माँ ने दूसरी माँ से कुछ मांगा है जिसे सुमन पूरा करने जा रही है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी बहन पर। सुमन को सजा ना मिले इसके लिए दूसरों पर जुल्म करना बहुत बड़ा अपराध होगा। जरा सोचो, एक माँ की बेटी की शादी रुक जाए तो उस माँ पर क्या गुजरती है, एक दादा पर, एक बाप पर, एक भाई पर क्या गुजरती है। इस रिश्ते के लिए आप आगे बढ़े थे ना, और जब दो रिश्ते जुड़ते हैं तो उनके सुख दुख ये सबके हिस्सेदार बनते हैं हम, और फिर हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? इन्हें हम अकेला कैसे छोड़ दें भाई? सुप्रीमा, हम जानते हैं कि आपके लिए फैसला लेना कितना मुश्किल भरा होगा, और हम ये भी जानते हैं कि आपको हम पर कितना भरोसा था कि आपने हमसे बिना पूछे हामी भर दी, और अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी हामी हमारे लिए आशीर्वाद है, और आपकी दीवी मंसूरी को हम खाली जाने नहीं देंगे। कान्हा जी, ये कौन से भवन में लाके खड़ा कर दिया आपने हमको? कहीं हमारी हामी अपने दोष न बन जाए। नहीं सुरभि माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राय बहादुर साहब, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, विवाह अपने शुभ मुहूर्त पे ही होगा। अगर विधि ने जो लिखा है वही होकर रहेगा। अगर उसे यही स्वीकार है तो सुमन इस विवाह में शामिल नहीं होगी। Thank you.
आप तो कान्हा जी में विश्वास रखते हैं। वो देखिए, वहां खड़े होकर सब देख रहे हैं। और फिर उन्होंने ही तो कहा है, सच को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता, सच हर हाल में बाहर आएगा, अपने समय पर बाहर आएगा। और इस शादी में कोई रहे या ना रहे, सुमन जरूर रहेगी। आना नैने बोल। नैने, तुझे पता है आज क्या हुआ? घर में वो बड़ी माँ है ना। नंदनी, नंदनी सबसे पहले तू रोना बंद कर, क्या हुआ? मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन सुमन भी फोन नहीं उठा रही है। बात क्या है? नंदनी, तूने मुझसे वादा किया था ना कि कोई भी बात नहीं छुपाएगी, हाँ? चल बता बात क्या है, व्हाट हैपेंड, लेट मी नो फास्ट। आप लोग ऐसे रोने वाली सूरत बना के क्यों खड़े हैं? आप लोग वापस नंदनी को सुल्तानगंज ही लेकर आएंगे ना? क्या आप लोग का इरादा बदल गया? नहीं 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 नहीं, हम वहाँ पे अकेले वेट करते रह जाएंगे और आप लोग यही रह जाएंगे। दिस इज चीटिंग। भाई मामा जी, अब देखिए, अब मामी भी बाराती बन के यही आ गई तो नंदनी के स्वागत की तैयारी किसी को तो करनी पड़ेगी ना, और इसीलिए तो हम जा रहे हैं। बहुत सारी तैयारियाँ बाकी है, ऐसे मुँह फुला के होगी हमारे भाई की शादी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और जहाँ तक रही शादी देखने की बात, अरे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम शादी लाइव देखेंगे। मामा जी, आप वीडियो कॉल में लाइव दिखाएंगे ना हमें शादी? अपने आंसू छिपाकर तू हमसे कह रही है कि हम मुस्कुराए, एक पीपल तू हमसे दूर नहीं रहेगी सिमुद, एक पीपल सब कुछ लाइव दिखाएंगे। बस कुछ ही घंटे बाकी है भाई आपकी शादी के लिए, हमसे तो वेट ही नहीं हो रहा। कभी गलत नहीं हो सकती, इसकी सच्चाई की तपिश एक न एक दिन सबको उनकी गलती का एहसास दिलाएगी, फिर देखना सुमन को न्याय मिलेगा। सही है, इतना कुछ तुमने अकेले सह लिया, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा था। स्क्रीन
ऐसे थोड़ी ना होता है यार सुमन, दिल दिया था दान नहीं, और ये हाइड एंड सीक ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। ओके, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाया और छुपा के अब यहाँ से तुम जा रही हो, राइट? गो, कम ऑन, गो, आई डोंट केयर यार। नंदन, इसका मतलब है नंदनी ने तुम्हें फोन कर सब कुछ बता दिया है ना? फिर तो तुम्हें ये भी बताया होगा कि अब ये फैसला नहीं बदलेगा, तो प्लीज। नंदन के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं। ओके, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ।